सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। लेकिन उसी समय घटना घटी, दक्ष को प्रदेश बनाया गया, अभिमान हुआ। शिव का अपमान करने की भावना से दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किए और आप ये कथा जानते हैं। सभी जब विमान पर बैठे हुए राम कथा के लिए भोलेनाथ को भी छोड़कर वहां ऊपर से उड़ करके जा रहे थे यज्ञ में, ये ध्यान सती का विमानों पर गया। सती ने जिद किया कि महाराज मुझे भी जाना है पिता के यज्ञ में, आप भी मेरे साथ चलिए। भोलेनाथ ने यहाँ कुछ नीति की बात बताई कि देवी, जहाँ जाने से सामने वाले के मन में खुशी ना हो वहाँ क्या जाना। यद्यपि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ बगैर बुलाए हमें चले जाना चाहिए, हमारा अधिकार होता है। माता पिता के घर, गुरु आश्रम में, अपने मित्र के घर, अथवा तो प्रभु के मंदिर में, इन चार जगहों पर कोई उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो और कदाचि आपको निमंत्रण न मिला हो, तब भी आप वहां जाओ, आपका अधिकार है। लेकिन एक शर्त पर, वहां जाने पर किसी के मन में तकलीफ ना हो। तो यदि आपसे कोई विरोध करने वाला, आपका विरोधी वहां हो और आपके जाने से उसके मन में तकलीफ हो, उसको दुख हो, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो, वहां हमको नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि महाराज ये उपदेश आप मुझे क्यों दे रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, इसलिए आज तक मैंने तुमसे वो बात छुपाई थी, लेकिन आज मौका है तो मैं तुमको बता देता हूं। आज भोलेनाथ ने दक्ष की वो जो घटना हुई थी किसी सभा में, जो दक्ष को देखकर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए और दक्ष ने अपना अपमान समझ लिया, आज भोलेनाथ ने वो घटना बताई कि देवी, तुम्हारे पिता मुझसे बहुत वैर रखते हैं। और वैर का एक कारण ये भी था, अब शिवजी भोलेनाथ जो शिवजी हैं, दक्ष के दामाद जी लगते हैं, दक्ष जी ससुर हैं भोलेनाथ के, लेकिन फिर भी दक्ष का और शिव में बड़ा विरोध चलता है, क्योंकि दक्ष ब्रह्मा जी का सृजन कार्य आगे बढ़ाते हैं और भोलेनाथ का कार्य है विसर्जन करना, खत्म करना, संहार करना। तो दक्ष को ये बात भी बड़ी बुरी लगती है कि मैं तो बनाता हूं और ये तो बिगाड़ता चला जाता है। यद्यपि एक्सीलेटर का जितना महत्व होता है मोटर कार में ना, उतना ही महत्व ब्रेक का भी होता है। मोटर कार में एक्सीलेटर हो लेकिन ब्रेक ना हो तो, अब दुनिया में जन्म ही जन्म हो, कोई मरे ही ना तो, हाँ, दुनिया की स्थिति बिगड़ जाएगी प्यारे। अब सोचो कोई कभी मरे ही ना, तो एक घर में 25-30 सास इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, आप सोचो कभी कोई मरे ही ना, सास और उसकी भी सास, फिर सास की सास, फिर बूढ़ी सास की भी सास, कितने घर में इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए ब्रेक का भी अपना महत्व होता है। तो दक्ष से शिव का इस बात पर भी विरोध रहता है, बड़ा विरोध करते रहते हैं। आज भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी, हमरे वैर तुम ही विसरावा, माना कि मैं उनका विरोधी हूं, मैं उनका अपराधी हूं, लेकिन तुम तो उनकी बेटी हो ना, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था, लेकिन देवी उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया है, मेरे वैर के कारण तुम्हें भी उन्होंने बुला दिया। इसलिए देवी, मेरा तो कहना यह है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद पर अड़ गई कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है महाराज, कुछ भी हो जाए, आपको न जाना है तो आप न जाइए, मैं तो जाऊंगी। शिव ने बार बार यहां रोका, मना किया, फिर भी सती नहीं मानी और परिणाम यह हुआ कि पिता के घर में भी सती का अपमान हुआ।
इसलिए रामायण कहती है मेरे भाई बहन, बड़े महापुरुष कोई बात कहे ना तो उसको मान लेना चाहिए। शास्त्र किसी बात के लिए रोकें तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। कोई ज्ञानी महापुरुष, हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारे घर के लोग जो हमसे बड़े हैं, किसी कार्य के लिए रोकें, मना करें तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कई बार बड़ों की बात न मानकर हमको बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं बाद में पछताने का क्या अर्थ हाँ। इसलिए पहले विचार करो, सोचो, बड़े बुजुर्गों को पूछो, उनको सलाह लिया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि वो दूर खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, लेकिन प्यारे बड़े आखिर फिर भी बड़े ही रहते हैं, बड़े आखिर बड़े ही होते हैं। इसलिए बड़ों को पूछा जाए, और यदि वो किसी बात से सहमत ना हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परिणाम आपके सामने, शिव ही जिससे रूठ गए, सोचो उसको कौन आदर देने वाला है, कौन पूछने वाला है? परमात्मा ही जिससे रूठ गया उसको कौन पूछने वाला हाँ। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन दक्ष त्रास काहु न सनमानी, 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 पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन गई भवानी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु सती ही बिलो की, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, पिता भवन जब गई भवानी, अपने पिता के यज्ञ में सती पहुंची है, वहां सती का किसी ने सम्मान न किया। हर रिश्ते आज उल्टे नजर आए, जिस भाई से बाल्यकालिक अवस्था में इतना प्रेम था आज भाई ने मुंह मोड़ लिया। बहने जिनके साथ खेला करती थी बचपन में, आज उन बहनों ने भी व्यंग बोला, एक दूसरे से बातें कर रही हैं, सती को बुरा लगे ऐसी बातें कि बहन तुझे बुलाने कौन गया था, तो वो कहती है कि मेरे लिए तो पिताश्री ने विशेष दूत भेजा। फिर तीसरी बहन कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो पिताजी ने स्वयं पत्र भेजा था। सती को चोट लगे ऐसी बातें, नगर के लोगों ने मुंह फेर लिया, परिवार के सदस्यों ने मुंह फेर लिया, यहां तक कि महाराज दक्ष भी सती को कुशलता भी न पूछे जब अपने पिता को प्रणाम करने गई।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।